सो हेलो गाइस, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको ले जाता हूँ ऐसे घनघोर जंगल में, ठीक है। तो चूंकि क्या है कि मेरे को काफ़ी दिनों से ज़रूरत था, और मैं बताना चाहूँगा कि आज जैसे ही मैं अपने गांव आया और हमारे यहाँ कुछ बुज़ुर्गों का जो है डिमांड था कि एक ऐसा औषधि है, जड़ी बूटी है, जिसको मेरे को जानकारी नहीं था, लेकिन नाम मैंने सुना सुना लगता था। तो मैं आज बताना चाहूँगा आप लोगों को, और काफ़ी कहना चाहिए कोई भाइयों के द्वारा, बहुत सारे भाइयों के द्वारा जानकारी मिला कि आपके यदि ब्लड आपका कम बनता हो, ठीक है, तो ब्लड को बढ़ाने में या फिर आपको वीकनेस लगता हो तो उस कमज़ोरी को जो है दूर करने में इनका काफ़ी हेल्प मदद करता है आपको, ठीक है। तो चलिए वीडियो को जो है शुरुआत करते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नहीं होंगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, तो चलिए आपको दिखाते हैं वो चीज़। अभी नाम नहीं बताऊंगा, वो चीज़ें आपको पास से दिखाऊंगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे। तो जंगलों में आना बहुत कम होता है, क्योंकि आजकल के दिनों में हर कोई अपनी ज़िंदगी में इतना व्यस्त रहता है। तो क्या है कि वैसे भी आजकल के लोग या फिर आजकल के बच्चे कहना चाहिए इन चीज़ों से काफ़ी सुदूर रहते हैं, उनको जानकारी नहीं रहती है। तो ठीक है, तो ये देखिए फाइनली दोस्तों, जिसको जिसका जिक्र कर रहा था मैं, इसको बोलते हैं कोई इनको रोहड़ पेड़ भी बोलते हैं और रोहड़ी रोहड़ी पेड़ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये है रोहड़ी पेड़ है ना, जो कि जिसका मैंने स्टार्टिंग में ही जिक्र करा था। तो इसका जो छाल होता है गाइस, ठीक है, इसका जो छाल होता है इस तरीके से देख सकते हैं, आप देख पा रहे होंगे, और इधर भी पहले की जिसको भी ज़रूरत रहा होगा पहले यहाँ से जो है यहाँ से इसका छाल को निकाल के ले गया गया है। इसको जो है एक छाल को सुखा के भी चाहे कच्चा भी जैसे उपयोग कैसे करते हैं नहीं पता है, लेकिन ये काफ़ी आपके लिए जैसे स्वास्थ्य संबंधी के लिए काफ़ी ये सकारात्मक राहत देता है, ठीक है। इन्हीं की ज़रूरत था तो उन भाइयों के द्वारा आग्रह था कि भाई आपके क्षेत्र में ये चीज़ें काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा में मिलता है। तो मैं आया हुआ था तो मेरे को भी चीज़ें जाननी थी और देखना था। एक्चुअल में मैं इसका नाम भी अभी भी सुना हूँ, और इसका इससे क्या आपको लाभ मिलता है वो चीज़ें भी हमें पता नहीं था, ठीक है। तो इससे काफ़ी जो है मतलब शरीर से संबंधित बहुत सारी समस्याएं होती है, जो इससे जो है उसका समस्या का निदान होता है, ठीक है। और ये जो है पेड़ काफ़ी मतलब कहना चाहिए इसको, अगर आप अपने जंगल स्पॉट आसपास के क्षेत्रों में जंगली इलाकों में ढूंढना चाहेंगे, ठीक है, तो ये आपको स्ट्रेट मिलेगा, आपको लंबा रहता है और साथ ही ऊंचा रहता है, ठीक है। और साथ में ये एकदम जैसे जिसका जो पेड़ का काफ़ी ज़्यादा ईयर हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा साल हो जाता है कहना चाहिए, ठीक है, तो वो आपको थोड़ा डार्क ब्लैक टाइप का दिखाई देगा, ठीक है। और यदि थोड़ा छोटे टाइप के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है, तो वो थोड़ा उसका जैसे उसका पेड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो आपको वाइट कलर का दिखाई देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें देख लिए है ना, इसको जो है रोहिणी पेड़ बोलते हैं, रोहिणी पेड़ बोलते हैं, रोहिणी छाल भी कहकर इसको जानते हैं, ठीक है। तो जिन भाइयों को भी समस्याएं होता है तो आसपास के, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे इस चीज़ का दिक्कत हो रहा था, सामना हो रहा था। मैं इस चीज़ को ढूंढने के लिए काफ़ी मतलब अपने संबंधियों अपने जान पहचान के लोगों से संपर्क किया और उससे कॉल्स के थ्रू भी बात की, और बहुत सारा ऐसा चीज़ हुआ कि मैं इनको मतलब पत्ता को भी देख के नहीं पकड़ पाते थे, क्योंकि हमने कभी इस चीज़ को देखा नहीं था। तो चलिए आप लोग तो इस चीज़ को देख पाए, और मैं अपने भाई को बोलूँगा कि आसपास के इन्वायरमेंट को भी थोड़ा एक बार स्क्रॉल करके दिखा दे, है ना। तो चलिए, तो खैर इसका पेड़ जो है काफ़ी हाइटेड है, ऊंचा है, और इसका क्या कहना चाहिए पत्ता भी ऊपर है, तो इसको दिखा नहीं पाएंगे, और छोटे पौधों को दिखाऊंगा जिससे आप थोड़ा पकड़ पाएंगे। तो आज जो है आप लोगों को दिखाता हूँ छोटे फॉर्म में जो ये रोहिणी का पेड़ होता है, इसका पत्ता जो है आज क्या है कि वो जो मैं आपको पेड़ दिखा रहा हूँ इसको पकड़ नहीं पाते। और ये देखिए यहाँ पास जो है आपको हाथ तीस दायरा करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसका ऊपर तक दिखाना, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा हाइटेड पेड़ होता है, एकदम स्ट्रेट रहता है, एकदम सीधा कहना चाहिए। तो इसके जो पत्ते हैं इसको कीड़े वगैरह खा चुके हैं, इसलिए थोड़ा अच्छे से नहीं देख पा रहा है। एक हम लोग सबसे फर्स्ट में देखे थे इधर आगे, ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में जो हम लोग देखे थे वो ये पेड़ है, छोटा सा पेड़ है, जिसके ज़रिए हम लोग जो है कंफर्म किए थे कि कौन सा रोहिणी पेड़ होता है। तो ये छोटा पौधा है, देखिए छोटा है लेकिन कितना सीधा स्ट्रेट है, इसकी बात कर रहा था मैं। तो देखिए देख सकते हैं आप, इसका जो पेड़ का जो बनावटी होता है एकदम वाइट कलर का दिखेगा, ठीक है, इस टाइप के और भी पेड़ होते हैं लेकिन ये पेड़ जो होता है औषधि का काम करता है, ठीक है, इसमें कांटा नहीं रहता है, तो इस टाइप का जो है
मैं आपको पत्ता इसका दिखा देता हूँ, दो चार तोड़ के, ठीक है। इस टाइप का इसका पत्ता होता है, ताकि आप जो है अपने आसपास के क्षेत्रीय इलाकों में जो है ढूंढ पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि आपके घर के आजू बाजू में रहता था, पकड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये सामने से दिखा देना भाई इसको, ठीक है। तो इस टाइप का आपको जो है पत्ता देखने के लिए मिलेगा, यदि आप इस चीज़ को नहीं ढूंढ पा रहे होंगे, ठीक है। इसको रोहनी पेड़ का जो है पौधा है, उसका ये पत्ता है जो है इस टाइप का देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने आसपास से, यदि आपके यहाँ पेड़ होगा तो उसके ज़रिए आप इस चीज़ को पहचान सकते हैं, ठीक है। और इसका जो है, यदि हम इधर थोड़ा पास दिखाना, अगर जो है अगर छोटे फॉर्म में यदि रोहिणी पेड़ होगा, ठीक है, तो उसका जो है छाल जो है इस टाइप का दिखाई देगा। हम लोग थोड़ा सा इसको काटे थे, है ना, हालांकि पेड़ को भी कष्ट होता है, इसके बावजूद भी हम लोग काटे, देखिए, है ना। इस टाइप का इसका जो है इंटरफेस होता है, इस टाइप का आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो क्या है कि इसको हम लोग जैसे ही काटे, इसके बाद इसको अपन लोग जो है खा के देखे, तो आप लोग के क्या कहना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा में क्या कहते हैं या फिर शादरी भाषा में क्या कहते हैं, नहीं पता। अब हम लोग खाते हैं तो इसको कस्सा बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने खा भी लिया, तो काफ़ी कस्सा जैसा लगता है, कड़वाहट सा भी फील होता है। तो इस तरीके से आज जो है, आज के ब्लॉग में, इस ब्लॉग में जो है आप लोगों को मैं आसपास के वातावरण के साथ ही मैं रोहिणी पेड़ की जो इसकी फ़ायदेमंद और आपके लिए कितना राहत देता है उस चीज़ों से अवगत कराया। तो चलिए, वीडियो को आज के वीडियो में जो है इतने ही चीज़ें दिखाने का प्रयास करता हूँ, जो चीज़ें थी आप लोगों के सामने दिखाया। और एक बार और बोलूँगा कि आसपास के चारों तरफ के उतारों की बार और स्क्रॉल करके दिखा दो, ठीक है। और चूँकि मेरा मकसद आज के, चूँकि आज के वीडियो में मेरा मकसद यही था कि मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ गाइस कि जिन चीज़ों में मुझे दिक्कत जाता है किस चीज़ को समझने में, जानने में, तो उस चीज़ को मैं चाहता हूँ ना कि कहीं ना कहीं चीज़ों को मैं आप लोग तक भी पहुँचाऊँ। क्योंकि हमें दिक्कत होती है, मतलब ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि किसी और भाई को भी दिक्कत होता है या फिर किसी न किसी की भी समस्या जाती है। अब मेरे को खुद ही पता नहीं था, लेकिन जंगली इलाकों में आजकल बहुत कम जाना होता है। तो चलिए, ठीक है, आज के सब्जेक्ट में, आज का ऑब्जेक्ट जो था हमारा, ये रोहिणी पेड़ जिसको हमने जो है आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया है। और ये पेड़ जो है आपके आसपास के क्षेत्रीय इलाके, आपके आसपास के जो जंगल होगा उसमें भी होगा, लेकिन हो सके कि आपको जानकारी ना हो, ठीक है। तो आई होप कि आज की वीडियो में जो आप लोगों को बताया, काफ़ी मैं चाहता हूँ कि आपके लिए मददगार होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।